वालेकुम मेरे अजीज़ व अकारिब, क्या हाल है जी? ठीक ठाक हैं। अच्छा, ये हमारी लिली है। अब ये लिली के चेक करें ज़रा काम, ये इसने कभी दांत ही नहीं साफ़ किए। लिली मुँह इधर करो। चल, कितनी गंदी है, कभी इसने दांत साफ़ किए ही नहीं है। और इसको जितना मर्ज़ी खाने के लिए दे दो, खाई जाएगी, दांत नहीं साफ़ करेगी। दांत देखो इसके कितने गंदे हैं, उफ अल्लाह। और ये देखें पीछे खरगोश का क्या हाल किया, एक कान नीचे है, एक कान ऊपर है, एक कान के ऊपर ज़ख्म हो गया। ये ना आज हमारी जो बकरी है ना, इसने पकड़ के ना इसको कान से पकड़ के उठा दिया, और ये देखिए कितने ज़्यादा ज़ख्म हो गए। पता नहीं इस तरह क्यों करती हैं ये। अभी मैंने ला के डाला नहीं है इनको कुछ, सिर्फ इसके अंदर लेके आया था मंडी से, और मंडी से ला के मैंने अभी डालना था, सफाई की थी, और ये काम इन्होंने किया, यहाँ पे शुरू हो गए हैं। अभी सारा खा लिया इन्होंने। ये देख, ये मैंने डाला था इन खरगोशों के लिए, और वो भी रखे हुए हैं। और ये मुर्गों ने बुरा हाल कर दिया। ये असील हैं, और ये हमारे पास दूसरे हैं आम मुर्गे। अभी बाकी बतखें हैं वो बाहर गई हैं, डक्स हमारी, और ये डक्स का हौज़ है, तालाब बनाया हुआ है, और बिल्कुल सूखा हुआ है क्योंकि इसकी कभी सफाई नहीं की। दूसरा ये चेक करें, मैंने अभी आके सारी सफाई की थी, बिल्कुल एक्यूरेट था, और मुर्गियां आईं, और मुर्गियों ने इतनी प्यारी सफाई का मुझे ये अंजाम दिया। ये देखें अभी तो ये भी चौधरी साहब खड़े हैं, और बाकी सारा हाल चेक कर लें। उफ़ल्ला, ये देखें अभी ये सारी सफाई करके गया था, बिल्कुल क्लियर था, सारा क्लियर, ऑल क्लियर। नीचे से भी सारा कुछ आ गया बाहर, इधर भी कुछ नहीं रहा, सारी सफाई अब मुझे दोबारा करनी पड़ेगी। खैर, अब मौसम तो दोबारा हो गया बारिश का, और मेरा प्रोग्राम था कि आज नहर से थोड़ी सी मिट्टी ला के, क्योंकि नहर अभी सूखी हुई है, नहर से थोड़ी सी मिट्टी ला के इनका खुड्डा जो है वो मैं ठीक कर देता, ज़रा ऊंचा कर देता, पानी इसके अंदर ना जाए। और अभी कोई पता नहीं क्या सीन होगा क्या नहीं होगा, और ये ऊपर चढ़ गया, और मैं ऊपर चढ़ने नहीं देता, क्योंकि अगर ये पाँव इसमें इसके अंदर फंसा लिए इन जगहों पर तो पाँव टूटने का ख़तरा होगा। अभी इनका दाना रखा हुआ है, ये मुर्गियाँ और बतखें खाएँगी। ये जी टुकड़े हैं रोटी के, और बारीक बारीक किए हैं, और इसके बाद ये तो मुझे सुकून ही नहीं लेने दे रहे थे, इसके अंदर ये सारा दाना है जो भिगो के रखा हुआ है। अभी इनको थोड़ा सा यहाँ पे खाने देते हैं, मैंने वापस भी जाना है, तो इनको थोड़ा सा डाल के वो डाल दूँगा। ये देखें, ये है जी हमारी अजवा। अजवा के नीचे बार बार ये लग रही है, लेकिन आज थैला चढ़ाया हुआ है, आज नहीं देना, क्योंकि आज आया हुआ है मेहमान घर में, छोटा सा बच्चा है, और आज मैंने उसको दूध पिलाना है बकरी का, क्योंकि उसके वालिद साहब की मुझे कॉल आई है स्पेशल कुवैत से कि मेरे बेटे को आज आपने दूध पिलाना है बकरी का, तो आज उसको मिलेगा दूध। और वाओ, मौज लग गई, दिखाता हूँ मैं आपको। ये है हमारे बतखों का एरिया, ये हमारे मुर्गियों का एरिया है, तो सारा इस तरह एक नॉर्मल सा ही बनाया हुआ है, कोई इतना ख़ास नहीं है। ये देखें, वाओ, 1, 2 एंड 3, तीन ये, और एक ये है, और हाथ मारना पड़ता है काफ़ी बार, क्योंकि ये ना अंडे दे के ऊपर ना वो फेंक देती हैं, छुपा देती हैं, ये इस तरीके से ना ऊपर डाल देंगी, ऐसे ऐसे करके ना ऊपर डाल देंगी कि हमारे अंडे कोई उठाए ना। खैर, मैंने इनको देख लिया हुआ है ये क्या करती हैं क्या नहीं करती, अब मुझे अंदाज़ा है कि ये क्या करती हैं, क्योंकि काफ़ी बार इस तरह होता है कि दो दो तीन तीन दिन अंडे ही नहीं आते, पता ही नहीं लगता यार अंडे गए किधर। और इधर भी चेक करते हैं, बच्चे भी आगे चेक करते हैं, पता ही नहीं लगता। तो फिर अंडों का मुझे पता लग गया कि अंडे ये कैसे अपने पास यूज़ करती हैं। ओह, सारा वाइट हो गया। ये देखें, ये जी हमारा असील,
ये मुर्गा है, ये मुर्गी है, और ये दूसरा जो आम है। बाकी आपने जो अग्रेसिव वाला देखा था पहले व्लॉग के अंदर, वो घर में है, वो छत पे रखा हुआ है, और उनके साथ अलग मुर्गियाँ वो छत पे रखी हुई हैं। डिफरेंट घर के अंदर भी जानवर होना चाहिए, ठीक है। उससे पहले मैंने तोते रखे थे, लेकिन तोते मेरी अम्मी को पसंद नहीं है क्योंकि मेरे तोते फर्स्ट टाइम मर गए थे। और उसके बाद मैंने रखे थे कॉकटेल, कॉकटेल भी मेरे मर गए। और उसके बाद अम्मी के मना करने के बावजूद मैं दोबारा ले आया वाइट, वो ग्रीन कलर का पैरट, बोलने वाला रॉ नहीं था लेकिन है तो सादा सा ही था, लेकिन वो ना उड़ गया। एक बच्चा तंग कर रहा था, चाचू का बेटा, वो कहता मैंने ले के जाना है। हमने कहा ले जो, वो ले के चले के बिल्कुल साथ रहते हैं घर के, और काफ़ी देर रहा वो ओपन ही रहता था। उसके जब पर आए हैं और वो उड़ के अपने आशियाना ढूंढने के लिए चला गया। खैर कोई बात नहीं, हमने डब भी रखी थी, डब भी उड़ गई, और वो मेरे वालिद साहब ने उड़ाई थी। ये आज बिल्कुल फ्री फिर रहे हैं। आज है असल में इतवार, संडे है, मेरी आज ऑफिस से छुट्टी है, तो आज ये देख लें अभी तक इधर फिर रहे हैं, बड़े मज़े मज़े से खुले हैं। नहीं तो मैं इनको बंद करके जाता हूँ, क्योंकि बिल्लियाँ इधर बहुत ज़्यादा फिरती हैं, और यहाँ पे एक बिल्ली ने बच्चे भी दिए हैं। इधर पास ही कहीं होंगे वो, अभी यहाँ पे कहीं फिर रहे होंगे। खैर अभी तो कहीं नज़र नहीं आ रहे, हो सकता है अपने किसी जगह पे बैठे हों छुप छुप के। यहाँ पे होते हैं ज़्यादातर, ये एरिया है उनका, इस जगह पे होते हैं, और अक्सर इस खुडे के अंदर भी रहते हैं वो, ये वाला खुडा। और इसके अंदर कोई चीज़ नहीं होती हमारी, बस मुर्गियाँ आके यहाँ पे अंडे देती हैं इस जगह पे। हाँ जी मुझे बुला रहे हैं। ओहो बकरी, मुझे लगता है बकरा एक बाहर निकल गया। खैर उसको मैं अभी ले कर आता हूँ। और तो कैसी लगी मेरी वीडियो? वैसे मैंने उसको ले कर आना है और इसको बंद करना है, इनको दाना खिलाना है, और मैंने चले जाना है। तो आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग, काइंडली शेयर करें, कमेंट करें, और मुझे कमेंट के अंदर बताएं कि मुझे क्या क्या चीज़ें इसके अंदर और ऐड ऑन करनी चाहिए, किस तरीके से मुझे अपना हर सेटअप जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाना चाहिए। अभी मैंने न्यू सेटअप अभी बनाया नहीं है, बस वैसी चीज़ें ला के रखी हैं, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको डेवलप करूँगा। आप सब मुझे कमेंट के अंदर बताएँ कि मुझे किस किस तरीके से करना चाहिए। लाइक कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।